इसे कहते हैं फुल प्रूफ प्लान। अब अगर इस दया शंकर ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की, उसका भी तोड़ है मेरे पास। माशाल्लाह, वेल डन गीता। तुम्हें किसी पे शक है? वो घर वाला या बाहर वाला कोई है? अब आप ही बताओ, कोई बाहर वाला ऐसा क्यों करेगा? ये किसी घर वाले ने ही किया। इन दोनों पे शक है तुमको? मैं कैसे कह सकती हूँ कि उन दोनों में से किसी ने ये लेटर लिखा है? चित्रा तुम चिंता मत करो, मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि ये लेटर किसने लिखा है, और जिसने भी लिखा होगा उसकी खैर नहीं। ये रहे पेपर और ये लो। चलिए, इसमें दो तीन लाइनें लिखो ना कुछ। ठीक है, पर लिखना क्या ये बताओ। जो भी तुम्हारे मन में वो सब लिख दो। लिखो प्लीज। तुम भी ना। तुम्हारे बिना जिंदगी में एक कमी सी है, क्या तुम मेरी उस कमी को पूरा करोगे? मैं अपने जीवन का हर सफर तुम्हारे साथ तय करना चाहती हूँ भवानी, क्या तुम मेरे हम सफर बनोगे? मैं तुम्हारा हाथ थाम कर सारी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम मेरा हाथ थामोगे मेरी बेरंग सी जिंदगी में? क्या मेरे लिए खुशियों के रंग भरोगे? ये सवाल मेरे दिल से निकले हैं, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी दीपिका। अरे कुछ बोलो तो सही। भवानी, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं दीपिका नहीं हूं जो इस तरह देख रहे हो। अरे भाभी, आप जवानी में कितनी सुंदर रही होंगी, बस वही देख रहा था। जब अभी ये आलम है तो पहले तो बात ही कुछ और होगी। और प्रताप भाई साहब तो दिन भर लट्टू बनकर आपके आगे पीछे घुमा करते होंगे। प्रताप भाई साहब कितने नसीब वाले हैं जिन्हें आप जैसी सुंदर बीवी मिली है। भवानी, तुम्हें ये क्या मजाक सूझा? तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो? वैसे सच कहूं तो जवानी के वो दिन भी क्या दिन थे। वो जवानी के दिन
इंसान की जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे होते हैं, जब ऐसा लगता है कि जो जी में आए वही करो, दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती, बस अपने आप में खोए रहने का मन करता है। कमाल है भाभी, आपका ये रूप तो मैं पहली बार देख रहा हूं। एक बात बताइए भाभी, आपने कभी प्रताप भाई साहब को लव लेटर लिखा है? लिखा है ना, जब चिंटू पेट में था उस समय मैं मायके गई थी, तब मैंने उन्हें बहुत सारे प्यार भरे खत लिखे थे। तो भाभी फिर आज आप उनको लव लेटर लिख सकती? क्या भवानी, तुम कहां की बात कहां ला रहे हो। अरे गुजरते वक्त के साथ ना रोमांस कहां बचता है, और शादी के इतने सालों के बाद ना सब खत्म हो जाता है। जानते हो जिनसे दूर रहते हैं उन्हें खत लिखा जाता है, और जिनसे रोज नोक झोंक होती है ना उन्हें खत नहीं लिखा जाता। भाभी आप भी कैसी बातें करते हैं, शादी के बाद तो दो दिलों के बीच में विश्वास बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, और क्या कहते हैं, खुशियां, दुनिया भर की खुशियां उन्हें मिल जाती हैं। क्या बात है, आज तो बहुत रोमांटिक हो रहे हो। बस भाभी कभी कभी दिल की बात जुबान पर आ जाती है। अब वैसे तुम दीपिका से मदद क्यों नहीं लेते, वो बहुत अच्छा लिखती है, वो तुम्हें सिखा देगी। आप भी कमाल करते हैं भाभी, मैं आपकी बात कर रहा हूं और आप दीपिका बीच में ला रहे हैं। काजल ये तूने क्या कह दिया भवानी से, होशियारी से काम ले, भवानी दीपिका के लिए लेटर लिखवाना चाहता है और तू है कि दीपिका से सीखने की सलाह दे रही है, ये भवानी से कैसे हो पाएगा। इससे बेहतर है कि तू ही लिख दे लेटर, क्योंकि इसी में तेरा और दीपिका का फायदा है। भवानी मैं कोशिश। क्या बात है, बहुत जल्दबाजी में हो। हाँ तो आइए ना भाभी, आइए आइए, जल्दी 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 जल्दी, इधर बैठे 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 बैठे। अब लिखूं किससे, खून से? अरे अरे नहीं नहीं भाभी, आप अपने प्यार का इजहार पेन से लिखिए। क्या बात है, पूरी तैयारी के साथ आए हो। अरे भाभी आप लिखिए ना। वैसे ये लेटर जो मैं लिख रही हूँ, तुम देखकर सीख कर क्या करोगे? अरे भाभी आप लिखो ना लेटर, जल्दी करो। मेरे प्राणनाथ, आपके बिना मैं बहुत दुखी हूं। आपसे जुदा होकर मैं बहुत व्याकुल हूँ। आप मेरी साइकिल की टायर की हवा हो, आपके बिना जिंदगी का पहिया नहीं चल सकता, आपके बिना मेरी हर सांस बेचैन है, ऐसी बेचैनी जिसकी दवा किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल सकती। अरे भाभी आप भी कमाल करते भाभी, अब वो वाली बात नहीं रहे आप में, पहले जो हुआ करते थे, कमाल करते हो भाभी आप भी। अरे पूरा लिख लेते तो पहले आप में बहुत प्यार था भाभी, क्या बोलूं मैं आपको। अच्छा भाई मैं आप इसे क्या हो गया, पागल हो गया है क्या? हाँ।
चित्रा, ये दो अलग अलग लेटर है, एक काजल भाभी की राइटिंग से और एक दीपिका की हैंड राइटिंग से। अब इन लेटरों से पता चल जाएगा कि जो पोस्टमास्टर लेटर लेकर आया था तुम्हारे पास, उसमें किसकी हैंडराइटिंग है। काजल भाभी और दीपिका की हैंडराइटिंग तो मैच ही नहीं कर रही। जो लेटर तुम्हें आया था उसकी हैंडराइटिंग डिफरेंट है, दोनों का लिखने का तरीका मेल नहीं खा रहा। इसका मतलब यह है कि काजल भाभी और दीपिका ने यह लेटर नहीं लिखा है। कौन हो सकता है इस गंदे खेल के पीछे? जो कोई भी हो भवानी जी, पर ये लेटर कोई बाहर वाले ने नहीं लिखा, किसी घर वाले ने ही लिखा। मेरे यहां रहने से किसी बाहरी को क्या मतलब? मेरे यहां रहने से इस घर के किसी शख्स को ही परेशानी है, वो नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं। मेरे हिसाब से वही है जो तुम्हें नहीं चाहता, और उन्हें ही तुमसे परेशानी भी। आप किसकी बात कर रहे हैं? प्रताप भाई से। प्रताप भाई साहब ही हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते कि तुम इस घर में रहो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये प्रताप भाई साहब की तो हरकत नहीं है। अगर अगर ये लेटर प्रताप भाई साहब ने लिखा है तो इसके बारे में दीपिका और काजल दीदी को जरूर पता होगा। मुझे तो लगता है कि ये इन दोनों की ही मिली भगत है। चित्रा, किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें प्रताप भाई साहब के हैंडराइटिंग का एक लेटर चाहिए हो। उसके बाद ही पता चलेगा कि वो गुनहगार हैं या नहीं। लेकिन प्रताप भाई साहब के हैंडराइटिंग का नमूना कैसे लो? वो कौन? सॉरी, मतलब वो आ गई है। अच्छा तो ठीक है, आज आ जाने दो तुम्हारे भाई साहब को घर, उनकी अग्नि परीक्षा मैं ले ही लेती हूँ। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। बिल्कुल।
चित्रा, अब इस घर में ग्रह युद्ध शुरू होने वाला है। इससे पहले कि तुझे ये घर छोड़ना पड़े, तुझे तेरे मकसद को पूरा करना होगा, क्योंकि ठाकुर परिवार की आपसी खींचतान में आखिर नुकसान तो तेरा ही होगा, क्योंकि तू बाहर की है तो ये लोग आखिर में तो सारा दोष तुझ पे ही डाल देंगे। चित्रा, बहुत जल्द तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तेरा मकसद जितना जल्दी हो सके उतना पूरा होना चाहिए। यू हैव टू डू समथिंग। अरे भाभी, भाभी अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं। बुरा मानने वाली कौन सी बात है? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये कि प्रताप भाई साहब आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते? ये जानकर तुम क्या करोगे? भाभी ये गलत बात, आपने पहले मुझसे कहा था कि आपसे मैं कोई भी बात पूछ सकता हूँ, अब आप बताने में हिचकिचाइए मत। और भाभी मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि प्रताप भाई साहब का प्यार आज भी बरकरार है या वक्त आते आते खोखला पड़ गया है? भवानी, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे भाई साहब का प्यार आज भी बरकरार है और वक्त ने उसे खोखला नहीं किया है। तुम्हारे भाई साहब मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। रहने दो भाभी, आप बड़ी बड़ी तो मत हाँको। मुझे तो नहीं लगता कि प्रताप भाई साहब आपसे प्यार करते हैं। भवानी तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या तुमने उन्हें कुछ गड़बड़ करते देखा है क्या? नहीं नहीं भाभी, प्रताप भाई साहब ने कोई गड़बड़ नहीं किया। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि पत्नियों को बीच बीच में पता करते रहना चाहिए कि उनके पति उनसे कितना प्यार करते हैं, कि आज भी उनका दिल अपनी पत्नियों के लिए धड़कता है या नहीं। क्या है ना भाभी, आजकल जमाना खराब हो गया, यूं ही आंख मूंद पर किसी पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता, और आप तो सब जानती है। भवानी तुम बात तो ठीक कह रहे हो, समय समय पर चेक तो करते रहना चाहिए, पर प्यार को चेक करने का कौन सा तरीका है मुझे तो नहीं पता। तुम्हारे पास कोई तरीका हो तो बताओ, ताकि मुझे भी पता चल सके कि इनका दिल आज भी मेरे लिए धड़कता है या नहीं, मुझे बताओ। अरे भाभी सिंपल तरीका है, सिंपल एकदम, कुछ भी नहीं करना उसमें। उनके मन के भाव को जानने के लिए सिर्फ एक लव लेटर ही लिखवाना, इससे पता चल जाएगा कि आपके पति आपसे कितना प्यार करते हैं, और ये तो छुट्टियों का काम है। अच्छा, तो प्रेम पत्र ही प्यार को चेक करने का वो तरीका है, इसीलिए तुमने वो पत्र मुझसे लिखवाया था, है ना? हाँ भाभी, हाले दिल जानने का रामबाण तरीका है ये। अच्छा मान लो मैंने तुम्हारे भाई साहब से वो लेटर लिखवा लिया तो उससे क्या होगा? भाभी लव लेटर वो स्केल है जिससे प्यार को मापा जाता है, और अगर लव लेटर लिखते हुए अच्छे भाव आ रहे हैं तो समझ जाओ कि आपके पति आपसे प्यार करते हैं, और अगर अच्छे भाव नहीं आ रहे तो समझ जाओ पति पत्नी के बीच में वो आ गया। वो कौन? सॉरी मतलब वो आ गई है। अच्छा तो ठीक है, आज आ जाने दो तुम्हारे भाई साहब को घर, उनकी अग्नि परीक्षा मैं ले ही लेती हूँ, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। बिल्कुल। याद आया, एक दिन दूसरी वाले की बात कर रहे थे, कहीं मजाक करते करते उनके मुंह से उस दिन सच तो नहीं निकल गया था?
अगर उसने मेरी असलियत प्रताप भैया को बता दी तो? नहीं नहीं गीता, वो भला ऐसा क्यों करेगा? वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेगा। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी कुछ पाना है तो थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। ये सब जो कर रही हूँ वो ठीक भी है या नहीं? मुझे तो ये सब सोच सोच के भी बेचैनी हो रही है। ये तो सीधा सीधा नमक हरामी हो गई। ये तो ऐसा ही हो रहा है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अगर कभी मैं ये सब करती हुई पकड़ी गई तो? अगर ऐसा हुआ तो ये लोग तो मुझे धक्के मार मार के इस घर से निकाल देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? और वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए, फिर तो मुझे ढेर सारा इनाम भी मिलेगा। वैसे भी गीता, अगर मलाई खानी है तो थोड़ा तो विश्वास करना पड़ेगा। और वैसे भी दुनिया पैसे के लिए क्या क्या नहीं करती है। और मैं कौन सा चोरी कर रही हूँ या किसी की जान ले रही हूँ? बस थोड़ी सी इधर की बात उधर ही तो कर रही हूँ। ये कौन सी गलत बात है? कोई अपराध थोड़ी है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर बक्तावर ने मुझे धोखा दे दिया तो? अगर उसने मेरी असलियत प्रताप भैया को बता दी तो? नहीं नहीं गीता, वो भला ऐसा क्यों करेगा? वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेगा। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी कुछ पाना है तो थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। गीता, अगर विश्वास करेगी तभी तेरे दिन फिरेंगे, वरना ना सारी जिंदगी लोगों की चाकरी करती रह जाएगी। बस क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, बक्तावर को फोन करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि मैं ये सब जो कर रही हूँ वो ठीक भी है या नहीं। अच्छा, अगर आप बुरों के साथ बुरा कर रहे हो तो ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। ये हुई ना कायदे की बात। चलो मैं बाद में फोन करता हूँ। दादी, आपको पता है गीता फोन पर किससे बात कर रही थी? किससे? गीता किसी लड़के से बात कर रही थी। गीता क्या बात कर रही थी लड़के से? वो तो मुझे नहीं पता, पर कुछ ऐसी वैसी बात लग रही थी। खुद तो तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है, पर चली दूसरों की गलतियां गिनाने।